अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। चाचा जी के ना है तुसने? वसीशा। वसीशा शाह साहब निका जाए क्वेश्चन कर साहब, पाकिस्तान में वो केड़ी चीज है जेडी फ्री पे थांदी है? फ्री भी कूड़ी था ना, वो और शेयर नहीं थाई। मतलब कूड़ फ्री पे चल रही है? हां। उस तो अलावा कुछ और कोई है जी खास शेयर नहीं जेडी फ्री पे था? मौत है के नो, मौत फ्री पे है। उस तो अलावा बहुत सारे ऑप्शन है ना जी, नजर मारो ना। मेरी किताब फौरनी पे ऐसी नमोग। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ शिराज, एक थोड़ा इंटरव्यू मुझे मुफ्ता में मिली है ना बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल? ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक का। आपका नाम क्या भाई? हमारा नाम है समीउल्लाह। इनको समझ आती है आपको? जी हाँ, थोड़ा बहुत आते हैं। अच्छा, तो सर कॉल निका जाए, एक सवाल कर सा ठीक है उसका, अगर जो आप चाह दो। क्यों नहीं, वो कर लो। एक मासी है, रोटियां पका रही है, एक घंटे में वो 10 रोटियां पकाती है, ठीक है? अगर 10 मासी हो तो एक घंटे में कितनी रोटियां पकाएंगी वो? 10 मासी है तो रोटियां नहीं पकाएगी, क्योंकि एक रोटी पकाएगी और 9 जो है वो बस मतलब गीबत करते हैं दूसरे का, प्लान ऐसे प्लान ऐसे, मेरा खावन ये करती है, दूसरे बोले मेरे ये करती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब ये कि बस 9 तो रोटी नहीं पकाती है ना, एक ही पकाती है ना। मतलब कोई चांस नहीं है रोटी पकने का फिर? नहीं नहीं, एक ही पकाएगी, क्योंकि 9 तो बस गीबत के अलावा और काम नहीं है औरतों की। हाँ वैसे भी आदत होती है मासी की, जहाँ बैठ जाए उनकी बातें ही नहीं खत्म होती। बस बातें ही खत्म नहीं होती, गिबत करते हैं, इससे जो है परहेज करें, क्योंकि ये गिबत अच्छी चीज़ नहीं है। ये बात तो ठीक है, पर ये औरतों को ये बात कौन समझाए? ये हम भी समझाएंगे और घर वाले उसको समझाए कि ये गिबत ना करे, गिबत बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि गिबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। वैसे मतलब आपका कहने का ये है कि आज रोटियाँ नहीं पकेंगी फिर? नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं पकेगी, हम भूखे ही रहेंगे। No, God, please, no, no, no! मतलब तबाह दे, गरीब तबाह दे, डी तक हुआ, सड़े डी तक हुआ। Oh, hell no! वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद रहमान है। सईद रहमान जी, आपसे फनी क्वेश्चन है करूँ, अगर उसका जवाब दे दें आप। कैसे कर ले आप? जवाब मिलेगा टका के, तो अगर जवाब हो तो मेरे पास तो मिलेगा। नॉलेज आपकी कैसे काम करती है? नॉलेज जहाँ तक एक्सपीरियंस ही वही तक होगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ फ्री मिलती है? कौन सी चीज़ फ्री मिलती है? बहुत खासा मशवरे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुरहान। बुरहान भाई, इनको समझते हो आप? जी समझते। अच्छा, फिर इनको भी पूछा, बड़ा फनी जा क्वेश्चन, अगर उसका जवाब चाहते हो तो चाहते। सवाल मेरा ये है कि एक मासी एक घंटे में 10 रोटियां पकाती है, ठीक है? 10 मासी एक घंटे में कितनी रोटियां पका सन? तो मुश्किल है। पकेंगी या नहीं पकेंगी? आपकी बात से मुझे लगा कि जब औरतें आपस में बैठेंगी तो बातें ही करेंगी ना। हाँ, फिर रोटी वाली बात, रोटी वाली बात नहीं होगी। झूठी है, झूठी है। गरीब तबाद है, गरीब तबाद है। खाना पीना ही चाहिए मुफ्त नहीं मिली आज तक? वो तो कैसा दरबारा तक खाना तो मिल गई सी, तो ये नहीं मिलती। बाकी सारे को लाभ भी हो गया एक बार। मारा जितने पूरे दराई को लव यू, तब कोई भी बोड़ा नहीं, कसा को बोड़ा नहीं आखना चाहिए।